कहिए कैसे हैं आप। बच्चे ऐसा क्या करें कि पेरेंट्स को उन पर गर्व हो। देखिए, अक्सर मैं बात करती हूँ पेरेंट्स से, आज मैं बात कर रही हूँ बच्चों से, टीनेजर से। तो इसलिए पेरेंट्स आप चले जाइए, आज सिर्फ बच्चों का दिन है, आज सिर्फ बच्चों से बात करनी है। और बच्चे, टीनेजर्स स्पेशली, आ जाइए सामने, आ जाइए आराम से। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, सिर्फ 5 या 7 मिनट बात करूंगी आपसे, ठीक है? क्या शुरू करूं? आप मोबाइल तो रखिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की, मोबाइल हाथ में रहता है, छोड़ते नहीं है उसको। तो मोबाइल रखेंगे तभी तो शुरू करूंगी बात। तो मोबाइल रख दिया, अभी एक दो के हाथ में है, साइलेंट ही कर दीजिए, बिल्कुल साइलेंट करके इसको एक तरफ रख दीजिए। कोई नहीं फर्क पड़ता 10 मिनट में, बल्कि इम्पोर्टेंस और बढ़ जाएगी। आपके दोस्त सोचेंगे, अरे कहाँ गया, जवाब नहीं दे रहा। मतलब हमेशा अपने आप को अवेलेबल दिखाएंगे तो ये भी ज्यादा सही नहीं है ना। थोड़ी देर स्टाइल स्टाइल मारिए ना, स्टाइल। तो शुरू करते हैं अब, बिल्कुल ठीक है, अब शुरू करते हैं। टॉपिक ये है कि बच्चे क्या करें कि पेरेंट्स प्राउड फील करें। देखिए, अब आपके चेहरे पे ना, कुछ बच्चों के चेहरे पे मैं स्माइल देख रही हूँ, स्माइल थोड़ी सी व्यंग वाली, वो ये कि प्राउड प्राउड तो बहुत दूर की बात है, वो तो स्माइल भी नहीं देते, वो तो खुश भी नहीं होते। प्राउड वाला तो काम बहुत दूर का है, वो तो स्माइल भी नहीं देते। ऐसा नहीं है, ये जो सोच है ना, ये निकाल दीजिए मन से। देखिए, जरा सोचिए कि कितना ख्याल रखते हैं आपके पेरेंट्स आपका। मदर हमेशा पढ़ाई के लिए आपको बार बार कहती रहती है, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, टाइम से उठाना, टाइम से भेजना, टाइम से आपका रूम साफ करना। और पापा कितनी बार ओवर टाइम करती है ऑफिस में, एक्स्ट्रा टाइम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं। किस लिए? आपके लिए तो करते हैं, ताकि आपको कभी कोचिंग लेनी हो, कहीं एक्स्ट्रा क्लास में जाना हो, कहीं पिकनिक पे जाना हो, टूर पे जाना हो, तो आपका मन ना खराब हो, आप भी जाएं उनके साथ। और आप कह रहे हैं कि कहाँ खुश होते हैं वो, तो घर तो बहुत दूर की बात है, खुश ही नहीं होते। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मान लीजिए आपकी क्या सोच है, क्या सोचते हैं आप कि आप ज्यादा देर मोबाइल करते हैं इसलिए आपको करने नहीं देते, आपसे नाराज हो जाते हैं आपके हाथ में मोबाइल देखते ही, या आप कभी आने में लेट हो गए स्कूल से आने में, या बाहर से आने में लेट हो गए तो बाहर खड़े होते हैं, चिंता करते हैं, बाहर खड़े रहते हैं। आप कहीं बाहर जाते हैं तो दोस्तों से फोन करके पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, किस लिए? और कोई पूछता है नहीं? पूछता ना, किस लिए पूछते हैं? क्योंकि उनको आपकी चिंता है, आपकी फिक्र है, आपका अच्छा चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं। थोड़ा सा सोचिए उनके बारे में, थोड़ा सा। आप एक्चुअली अपने मोबाइल में, अपने फ्रेंड सर्कल में इतने बिजी हो गए कि आपको उनकी तरफ ध्यान ही नहीं रहा, उनकी तरफ देखा है आपने? इतना छोटा सा दिल है पेरेंट्स का, इतना छोटा सा, इतना छोटा सा, बात बात पे आंखें जल चला जाती है उनकी, इमोशनल हो जाते हैं। देखिए कभी उनकी आंखों में, आप लोग से टाइम नहीं है ना, कभी उनकी आंखों में देखती, छोटी सी बात होगी ना, इमोशनल हो जाएंगे। प्राउड तो हो ही जाएगा उनको, अपने आप को कुछ भी आप कीजिए, कुछ भी अच्छा काम कीजिए, अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और गले लगा लेते हैं आपको। होता है ऐसा, पर आपके पास टाइम ही नहीं है देखने का। तो आज मैं आपको 7 बातें बताने आई हूँ कि क्या आप कर सकते हैं जिनसे वो प्राउड फील करें, उनको गर्व हो कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, और आपकी पीठ थपथपाए। तो सबसे पहली बात यह है कि पढ़ाई में अच्छा जाना, पढ़ाई। देखिए, जो हमारी स्टूडेंट लाइफ है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है, और हर एक पेरेंट का यही सपना होता है कि बच्चा अच्छा करे, पढ़ाई में अच्छा करे, अच्छा नहीं करे बहुत अच्छा करे, ताकि उसकी पूरी लाइफ अच्छी रहे। देखिए, वो एक्सपीरियंस्ड है, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो कोई होगा भी नहीं, हमसे डबल एज है उनकी, उन्होंने दुनिया देखी हुई है, हमने नहीं देखी हुई, हमें समझ भी नहीं है। वो हमारे बहुत अच्छे गाइड हैं, हमें बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं, समझने की जरूरत है बस। तो पढ़ाई सबसे पहली बात आती है, पढ़ाई। उनका सपना है कि अच्छा पढ़े, तो हम अच्छा पढ़े, हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे। मान लीजिए क्लास टेस्ट है, क्लास टेस्ट में आपके 10 out of 10 आते हैं तो कितना खुश होंगे वो, होती है खुशी। पर इस बात को ये भी मत समझिए कि सिर्फ पढ़ाई है, सिर्फ पढ़ाई नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनसे आप उनको प्राउड फील करा सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई तो देखिए एक एग्जांपल है कि मान लीजिए आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग है, पेरेंट्स आते हैं और टीचर बोलती है बहुत अच्छा बच्चा है,
क्लास में हमेशा ध्यान से सुनता है, ध्यान से पढ़ता है, पूरा कंसंट्रेट करता है, तो कितनी खुशी होती है, होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाएं और ईमानदारी से पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाएं, कुछ बन के दिखाएं। जिन्होंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया, उनके लिए कुछ बन के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं। अब सेकंड पॉइंट आता है, उनकी केयर कीजिए, उनका ध्यान रखिए, उनको प्यार कीजिए। केयर कैसे करनी है? देखिए, जैसे आपको पता है कि आपकी मम्मी के सिर में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है, वो लेटी हुई है और आप, मुझे भूख लगी जल्दी खाना दो, उनको बेड से उठा दिया और वो उठ भी गई, क्योंकि उनको चिंता है, उनको तो बहुत ही ज्यादा चिंता है, अपना सिर दर्द तो उस समय भूल जाएंगी। पर अगर ऐसे में मान लीजिए उनके दर्द है, वो लेटी हुई है, तो बजाय कहने की मुझे भूख लगी है, 2 मिनट सिर सहला दीजिए और उनकी आंखों में देख लीजिए, बस उनका तो दर्द भाग ही जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप भी तृप्त हो गए, आपका पेट भर गया। ये होता है, ये चीज होती है। केयर कीजिए उनकी, मतलब जैसे पापा हैं, बहुत काम है, ऑफिस में थके हुए हैं, मार्केट नहीं जा पाए, कुछ चीज लानी है जरूरी, आप ले आइए, आपको लाने में क्या दिक्कत है, आप तो भाग दौड़ के ले ही आएंगे। मान लो उनका मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे है, सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, ऐसा गिफ्ट दीजिए, मतलब एक फैमिली की बड़ी फोटोग्राफ फ्रेम करा के, फैमिली ट्री बना के, अपने हाथ से कार्ड बना के, अपने हाथ से बुके बना के दीजिए उनको, कितना अच्छा लगेगा। एहसास कराइए, एहसास कराइए, उस पर आई लव यू लिखिए, वी लव यू लिखिए, कुछ भी लिखिए, पर उनको ये एहसास कराइए कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, और उनकी आंखें देखिए, वो आपको गले लगा लेंगे। तीसरा पॉइंट आता है, जिम्मेदार बनिए, रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल कैसे बनना है कि आपने कोई ना कोई जिम्मेदारी ले लेनी है। बहुत छोटी छोटी सी बातें, मैंने अपना कमरा साफ करना है, मैंने हमेशा अपना कमरा साफ करना है, कुछ भी बात नहीं है, मैंने अपना कमरा गंदा नहीं छोड़ना, आपको मैं तंग नहीं करना चाहता, मैं अपना रूम हमेशा साफ रखूंगा। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जैसे मार्केट से ये चीजें लानी है, ये तो मैं ही लाया करूंगा, सिंपल, एक काम आधा हो जाएगा। बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप गोल्ड मेडल लेके आओ या एवरेस्ट पे चढ़ो तभी उनको प्राउड फील होगा, ये छोटी छोटी बातों से ही वो खुश हो जाते हैं। आप करके देखिए ना, एक बार रिस्पॉन्सिबल बन के देखिए। छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो आप बोलिए कि आप चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ, आप आराम करो, आप कुछ भी जो भी आप काम करना है वो करो, मैं ध्यान रख रहा हूँ इसका, इसकी चिंता मत करो, मैं हूं इसके साथ। तो देखो उनको कितना अच्छा महसूस होगा, एक प्राउड फील होगा कि देखो ये है हमारा बेटा, कितना ख्याल रखता है, 10 लोगों को भी बताएंगे। चौथा पॉइंट आता है, बी काइंड। अपनी फैमिली के साथ तो अच्छे रहना ही है, अपनी फैमिली की केयर तो करनी है, आस पड़ोस में इधर उधर भी, जैसे मान लीजिए आप मार्केट से लौट रहे हैं, एक बहुत एजेड अंकल है, वो आपके घर के सामने रहते हैं, बैग लेके आ रहे हैं, दो बहुत हैवी बैग है उनके, उनके हाथ से ले लीजिए, अंकल मैं चल रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं ये बैग मेरे को पकड़ा दीजिए, उनसे बातें भी करते जाइए और उनका बैग भी ले लीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा लगता है। और जब वो आके, वो अंकल कभी आपके पेरेंट्स को मिलेंगे, वो बताएंगे आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरे को तो उसने ऐसे मदद की, तो क्या मदद थी, इतनी छोटी सी कि एक बैग ही उठाना था, उनके लिए तो बहुत मुश्किल काम था ये, और मदद की आपने, 10 जगह आपका गुणगान करेंगे और पेरेंट्स क्या फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे। कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं, इन बातों से हम प्राउड फील करा सकते हैं किसी की हेल्प करके। अच्छा, हर रोज जैसे होता है प्लांट्स को पानी देना, चलिए प्लांट्स भी नहीं है तो चिड़िया के लिए रखना, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं पर बहुत अच्छा लगता है। हर रोज मम्मी खाना बना रहे तो मम्मी एक रोटी तो बना दो, मैं डॉगी को दूंगा, हर रोज गेट के आगे रखनी है, दूध और रोटी रखनी है उसके लिए, कितना प्राउड फील करेंगे, 10 लोगों को बताएंगे भी मेरे बच्चे की तो ये आदत है। मदद के लिए हमेशा तैयार रहना है। स्कूल में भी जैसे कोई दोस्त है, उसको बीमार हो गया, बुखार हो गया उसको, वो होमवर्क नहीं कर पाया और आप आए हैं स्कूल में, तो बताइए उसको कि क्या क्या हुआ था, हेल्प कीजिए उसकी, उसको समझा दीजिए, उससे क्या है कि आपको भी लर्न हो जाएगा, उसको भी समझ आ जाएगा और पेरेंट्स क्या फील करेंगे, प्राउड, उनको खुशी होगी कि देखो मेरा बच्चा कितनी अच्छी नेचर का है, सबकी मदद करता है।
पांचवा पॉइंट आता है बी ओबीडियंट। ये तो देखिए इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, ओबीडियंट कहना मानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब क्या होता है कि बात बात पे हम बहस करते हैं, सामने बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, ये चीज तो बिल्कुल नहीं करनी। जो कह रहे हैं ना, मान लो आपके पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, कुछ गुस्सा कर रहे हैं, नीचे नजरें नीचे करके चुपचाप खड़े रहो, 2 मिनट 3 मिनट जितनी देर भी वो बोल रहे, कोई रिएक्शन मत दो। अपने रूम में आ जाओ, सोचो 2 मिनट 3 मिनट बैठ जाओ अकेले और सोचो कि क्या बात हुई थी, क्या उन्होंने सही बात पर गुस्सा किया गलत, आपको रीजन पता लग जाएगा। सामने रिएक्ट करेंगे, अपने दोस्तों की साइड लेंगे, वो चीज जरा भी अच्छी नहीं है। और घर पे देख लीजिए कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, स्पेशली अपने छोटे भाई बहन से या बड़े से भी, मम्मी ये मम्मी वो, बार बार पे शिकायत करना, ये चीज कम कर दीजिए। उनको प्यार दीजिए, सबसे बड़ी बात कहना मानिए पेरेंट्स का, ओबीडियंट रहिए, बिल्कुल ओबीडियंट रहिए, और अपने भाई बहनों को प्यार दीजिए। लड़ाई झगड़ा एक तरफ। अब मोबाइल की बात ले लीजिए, मतलब जैसे आप आए हैं घर पे, खाना खा रहे हैं, मम्मी ने यही तो बोला कि मोबाइल एक तरफ रख दो, कितना गुस्सा आ गया, मैं खाना ही नहीं खाता, आपको तो इसी से चिढ़ा है, ये कोई मतलब है? ये भी एक तरह की एडिक्शन है मोबाइल की, वो इसलिए मना करती हैं आपको। आईज, आपके शरीर का ख्याल है उनको, आईज पे कितना स्ट्रेन पड़ता है आप जानते हैं? खाना खा लीजिए फिर कर लीजिए, ऐसी बात नहीं है कि वो हमेशा ही मना करते हैं, उनको भी पता है मोबाइल की इंपॉर्टेंस, उनको भी पता है, आपके पेरेंट्स को भी पता है, ऐसी बात नहीं है कि वो ये कहते हैं कि छोड़ दो इसको। पर खाते समय कुछ एक टाइम तो ऐसे होते हैं ना जहां पे इसको छोड़ देना चाहिए, कुछ एक टाइम तो वो भी होते हैं ना कि जब पेरेंट्स चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, उनके बारे में भी सुने, उनकी भी तो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स की होती हैं, उनकी भी तो होती है, दुख सुख उनके भी तो होते हैं, वो किससे शेयर करेंगे, अपने घर में अपनी फैमिली से ही तो करेंगे। सिक्स पॉइंट आता है डू राइट थिंग्स। राइट थिंग्स क्या है? देखिए जो हमारी एज है ना, ये टीन्स वाली, ये बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली होती है। बिगड़ने वाली क्या मतलब, कि हमें बड़ा अच्छा लगता है, जैसे दोस्त हैं, बड़े दोस्त हैं, स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, लड़कियों के पीछे जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, मोबाइल में मैसेजेस कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आपने सोच समझ कर अपनी अच्छी कंपनी चुननी है, अच्छा काम करना है, सिगरेट शराब इन चीजों से दूर रहना होता है। आप नहीं ले रहे मुझे पता है, पर क्या होता है कि ना जब 2-4 लोग बैठे होते हैं फिर आपको प्रोवोक करते हैं, अरे तू तो जा, तू तो मम्मास बॉय है, तू तो छोटा बच्चा है, तू तो जा, तो ऐसा लगता है कि अरे मैं क्यों छोटा बच्चा हूं, मैं भी लूंगा। और एक बार आप आ गए ना उसकी गिरफ्त में, फिर तो पता है कितने नेगेटिव पॉइंट शुरू हो जाते हैं, आप चोरी भी करने लगते हैं, पता है चोरी भी करने लगते हैं, क्यों? क्योंकि अब आपको एडिक्शन हो गई है, आपको वो चाहिए चाहिए, चाहे सिगरेट चाहे शराब, फिर आप घर से चोरी करने लगते हैं, पैसे चुराने लगते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। आप मतलब ये अगर मैं इस बारे में डिटेल में बताऊंगी तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बहुत सारा। तो सबसे बड़ी तो यही बात है कि हमें इन चीजों से दूर रहना है, हमें अच्छे काम लेने। हमारा जो इस समय पर्पस है ना सिर्फ पढ़ाई का है, सिर्फ पढ़ाई का, क्योंकि हमें बड़े होके बहुत अच्छे बनना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, पूरा कंसंट्रेट, ना स्कूल बंक करना है, ना इधर उधर भागना है, ना ये करना है वो करना है, बस सिर्फ कंसंट्रेट, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमने पढ़ना है, मेहनत करनी है, कठोर मेहनत करनी है, कठिन परिश्रम करना है, कुछ बन के दिखाना है, पेरेंट्स की आंखों में गर्व देखना है, प्राउड देखना है। और अब सातवां पॉइंट आता है कि रिस्पेक्ट द एल्डर्स, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना है, सम्मान करना है। जैसे मान लीजिए आपके दादाजी हैं या बाबा जी हैं, तो उनके दर्द है और उनको हॉस्पिटल में लेके जाना है, आपके मम्मी बोल रहे हैं कि पापा जा रहे हैं, पापा के साथ आप भी चले जाओ, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैंने तो दोस्त के घर जाना है, उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है, मैं तो नहीं जा सकता, ये आपका जवाब है? ये कोई जवाब नहीं है, आपको जाना चाहिए, आपको बल्कि पहले जाना चाहिए, आपको पूछना चाहिए, अरे उनकी तबीयत कैसे खराब हुई, मैं अभी जाता हूं, देखिए उनकी आंखों में उनकी आप महसूस करेंगे कि वो कितना खुश हो गए एकदम से, मतलब उनकी चिंता आधी कर दी आपने एकदम से, आपने बड़ों बुजुर्गों के प्रति केयर दिखा के अचानक पेरेंट्स की चिंता आधी कर दी कि चलो अब ये है वहां पे, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा,
क्योंकि चिंता तो पेरेंट्स को भी है, वो तो उनके पापा हैं। और आप क्या है, पापा के भी पापा है वो, तो आपके लिए तो पापा के भी पापा है वो, पर पापा को तो अपने पापा की चिंता होगी ना। तो रिस्पेक्ट कीजिए, उनको टाइम दीजिए, उनके अनुभव से सीखिए। आपके पापा का जो एक्सपीरियंस है वो तो है ही है, वो आपके पापा के पापा हैं, उनका तो डबल एक्सपीरियंस हो गया, कितनी चीजें बता सकते हैं, कितने तरह के उनके दिमाग में अनुभव भरे होते हैं। उनसे शेयर कीजिए, उनसे सीखिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। ये सब करेंगे ना, फिर उनकी आंखों में देखिए आप, एक प्राउड की फीलिंग होगी, एक गर्व होगा, आपकी पीठ थपथपाएंगे कि शाबाश। जब आपके बाबा जी, आपके दादा जी ये बोलेंगे कि बेटा तू बहुत अच्छा है, तू मेरा बहुत ख्याल रखता है, तो अपने फादर को देखिएगा कितना प्राउड फील करेंगे वो। देखिए ये तो थी थोड़ी सी बातें जो कि मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। हम असल में सोचते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ेंगी कि पेरेंट्स प्राउड फील करें, पर आप देखिए कितनी छोटी छोटी सी बातें, कितनी छोटी छोटी सी बातें कि पेरेंट्स हम पे प्राउड फील कर सकते हैं। वैसे ये तो थी मेरी सोच, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रही थी। आप बताइए आप क्या सोचते हैं, अगर और भी बातें हैं ना आपके पास इस तरह की, कि किस तरह से पेरेंट्स को प्राउड फील कराया जा सकता है, या आपने किस तरह से प्राउड फील कराया, तो वो भी जरूर बताइएगा, हम सबके साथ शेयर करेंगे। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बाय।